हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगी। घर का पक्का में आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन वेजिटेबल सैंडविच। इसको हम बहुत ही स्पेशल इंग्रेडिएंट के साथ बनाएंगे। ये बहुत मजे के सैंडविच बनते हैं। आइए आपको बताते हैं कि इन सैंडविच को बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है और इसको कैसे बनाया जाता है। चिकन वेजिटेबल सैंडविच बनाने के लिए हम सबसे पहले चिकन को मैरिनेट करेंगे। हमने लिया है ये मुर्गी का सीना हाफ, इसको हम छोटे पीसेस में कट करेंगे। इसको छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तेज छुरी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ बचा के इस तरह हमने कर लिया है इसको। अब हम क्या करेंगे, ये इसके बड़े अच्छे से फिलेट तैयार हो गए हैं। अब हम छोटे पीसेस में इनको कट करेंगे। ये देखिए कितने छोटे छोटे पीसेस हैं। ये सारा चिकन जो है, हम जिस तरह हाथ का कुटा कीमा होता है ना, सेम उसी तरह हम इसको बनाएंगे। ये देखिए सारा यहाँ पे हम इसको काट लेते हैं, फिर इसको मैरिनेट करेंगे। ये देखिए चिकन हमारा यहाँ सारा कट चुका है। ठीक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये कितने छोटे छोटे पीसेस हैं। इस तरह के पीसेस में आपने इसको कट करना है। अब हम ये सारा चिकन जो है वो इकट्ठा कर लेंगे और इस बाउल में इसको ट्रांसफर करके मैरिनेट करेंगे। चिकन की मैरिनेशन में हम शामिल करेंगे ये हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर। इसमें जाएगा हाफ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। चले ये इसको अच्छा सा हम मैरिनेट करके यहाँ पे 15-20 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर इसको कुक करेंगे। ये देखिए कितने छोटे 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 टुकड़े हैं, ये श्रेडेड नहीं है, ये समझ लें कीमा है। चले इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून अनियन पाउडर और 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर। इसमें शामिल करेंगे हम ऑयल, इसमें शामिल करेंगे हम 1 टेबलस्पून ऑयल। इसको अच्छा से यहाँ पे करेंगे मिक्स और इसको मैरिनेट करके रख देंगे। ये देखिए और फिर इसको कुक करेंगे। इसमें कोई पानी शामिल करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे इसको सिंपल हम पैन में डालेंगे और कुक कर लेंगे। चले ये देखिए यहाँ पे पैन हमारा गर्म हो चुका है। इसमें हम शामिल करेंगे ये सारा चिकन और इसको हम हाई फ्लेम पे कुक कर लेंगे। इसको आपने लो फ्लेम पे कुक नहीं करना, चिकन को हमेशा हाई फ्लेम पे कुक करते हैं। उससे ये होता है कि ये चिकन जो है वो अपना मॉइस्चर नहीं छोड़ता, इसके अंदर ही ड्राई होता है हाई फ्लेम पे, तो ये बड़ा अच्छा सा जूसी सा बनता है। अगर आप बनाएंगे इसको लो फ्लेम पे तो क्या होगा, चिकन का जो सारा मॉइस्चर है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हार्ड और रबड़ी हो जाएगा। इसलिए चिकन को हमेशा हाई फ्लेम पे बनाना चाहिए। चलिए तो देखिए मेरा पैन जो पहले से गर्म था, इसके अंदर मैंने इसको जब चिकन को शामिल किया तो ये झटपट कुक होने लग गया। चलिए इस तरह को जुड़ गया, अगर जुड़ा हुआ है तो इसको आप अलग कर लें। अभी और मैं इसकी हीट बढ़ा रही हूँ, इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा इटालियन मिक्स हर्ब। चलो देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और चिकन हमारा कुक हो गया है। इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला था ना, ये देखिए वही काफी है, इससे ज्यादा नहीं आपने डालना। ये देखिए इसको अब हम उतार लेंगे।
इसको ठंडा होने देंगे। देखिए फ्रेंड, ये चिकन हमारा अच्छा सा ठंडा हो गया है, ये देखिए। और अब हम इसमें शामिल करेंगे कुछ सब्जियां, जो कि कुछ यूं है। ये बंद गोभी है, इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये हाफ कप है, ये हाफ कप है। मेरे पास क्यूब में कटा हुआ खीरा है। साथ ही इसमें ये शामिल करेंगे हम बहुत बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है, बहुत बारीक कटी हुई छोटे टुकड़ों में ये गाजर है, और ये हरी प्याज है, ये भी हाफ कप है। ये ठीक है, ये सारे इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर अब हम शामिल करेंगे एक कप मायोनीज, ये चली गई इसके अंदर, ये देखिए। इसमें शामिल करेंगे हम 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, ये देखिए ये कुटी हुई है, इसमें अब पाउडर नहीं जाएगा। इसको अच्छा सा यहाँ पे करेंगे हम मिक्स, और फिर इसके हम सैंडविच बनाएंगे। फ्रेंड, ये मायोनीज को हमने अच्छा सा यहाँ पे इसके अंदर मिक्स कर लिया है, ये सब्जियां, चिकन, मायोनीज। अब यहाँ पे हमने लिए हैं 2 उबले हुए अंडे, इनकी हमने जो योक है हटा दी है, और इनको कांटे से इस तरह छोटा छोटा कर लिया है, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये हम इसके अंदर इसकी जो जर्दी है वो नहीं डालेंगे, खाली हम इसकी सफेदी यूज करेंगे। ये उबले हुए अंडे की सफेदी है, इसको हमने छोटे टुकड़ों में कर लिया है। ये शामिल करके इसको अच्छा सा मिक्स कर देंगे। हमने यहाँ पे फ्रेश ब्रेड ली है, इसके हमने स्लाइसेस लिए हैं, इनके अब हम किनारे कटिंग करेंगे। यहाँ पे इसके अंदर इसके किनारे नहीं यूज होते, ये हम किनारे इसके जो हैं ऐसे तेज छुरी के साथ इसके किनारे जो हैं ये हटा देंगे। ये जो किनारे हैं ये भी हम जाया नहीं करेंगे, इनका हम ब्रेड क्रम्ब बना लेंगे, बल्कि इनका बहुत अच्छा ब्रेड क्रम्ब बनता है इस तरह। ये इतनी सॉफ्ट ब्रेड है, ये देखें इस तरह हम इनके किनारे ये 2 पीस इस तरह 2-2 करके सारे किनारे इनके हटा देंगे। ये सारे हम यहां से किनारे हटा देंगे ये, और अब हम सैंडविच बनाएंगे। इस तरह हम 1 पीस लेंगे, इसके ऊपर ये सारा मटेरियल रखेंगे। अगर आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा ज्यादा भर के बना लें, अगर आपको नॉर्मल से पसंद है नॉर्मल बना लें। ये बड़े मजे के सैंडविच बनते हैं, चिकन वेजिटेबल सैंडविच, ये बहुत मजे के होते हैं। आप ये बना के इसको किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के फ्रिज में भी रख सकते हैं, ये 4-5 दिन खराब ही नहीं होते। जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे चाय के साथ आप इसको खा लें। आप चाहें तो इस तरह 1 लेयर में बना लें, आप चाहें तो 2 लेयर में बना लें। ये देखिए दूसरी लेयर पे भी इसी तरह ये सारा मटेरियल लगाएं ऐसे अच्छा सा। ये इसमें सारी चीजें बहुत ही हेल्दी हैं, तो ये बच्चों को जो है ना वो बड़े पसंद आते हैं। आप जरूर बच्चों को बना के खिलाएं, ट्राई करें। ये देखिए इस तरह 3 लेयर में भी बना सकते हैं। अब हम बाद में इसकी कटिंग करेंगे। इसी तरह सारे सैंडविच बना के हम रेडी कर लेते हैं। आप चाहें तो 2 पीस के बना लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। आप चाहें तो इसको सेंटर से कट करके हाफ कर लें, आप चाहें तो इसके 4 पीस कर लें छोटे छोटे, वो भी बन जाएंगे इस तरह भी। चलें इसी अब यहाँ पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के लिए आप जो नाइफ है आपकी इसको दबाएं नहीं, दबा के काटेंगे तो ये मटेरियल बाहर आ जाएगा। आप इसको चला के इस तरह घुमा के चला के फिर आप इसका सैंडविच की कटिंग करें। आप ये रेसिपी जरूर बनाएं, जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही मजे की बनती है। ऐसे हल्के हाथ से इसको चलाते हुए नीचे तक ले जाएं, ये देखें इजीली कट जाएंगे। चलें आप चाहें तो इसके 2 के 4 भी काट लें, छोटे छोटे पीसेस में कट जाएंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे बहुत ही हमारे मजे के बहुत ही स्पेशल चिकन वेजिटेबल सैंडविच बन के रेडी है। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, और बच्चों के लिए ये बहुत फायदेमंद भी है। आप उनके लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, जब आपको हल्की फुल्की भूख लगे चाय के साथ भी खा सकते हैं। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए ये सैंडविच जरूर बनाएं, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे रखें दुआओं में याद।
अल्लाह हाफिज़।